हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दामोदर राव और आज मुंबई में देखिए बड़ा ही सुंदर गांव में, इसको भोजपुरी में तो कुछ दूसरा नाम से पुकारते हैं लेकिन इसको इंद्रधनुष कहा जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है आसमान में, पश्चिम दिशा की ओर ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। इसको क्लोजअप भी करते हैं। एक प्रकृति की एक विशेष, ये भी एक रचना है, बड़ा महत्व है इसका भी। इंद्रधनुष कहते हैं इसे। ये हम लोग बचपन में गांव में बहुत ज़्यादा देखते थे। यहाँ तो आसमान जल्दी दिखाई नहीं देता, इसलिए सब देखने को मौका नहीं मिलता है। बड़ा ही सुंदर दिखता है। बचपन में तो हम लोग इससे डरते भी थे। इसको हम लोग गांव में बोड़ा बोलते हैं, बोड़ा। कहीं और जगह में किसी और नाम से भी जाना जाता है। ये होता कैसे है कि सूरज जिस दिशा में निकलता है उसके विपरीत दिशा में सूरज की किरणें जो है कुछ अलग हट के, विकृत होके ऐसा रूप बनता है। ये सात रंगों का सतरंगी इंद्रधनुष कहलाता है। देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है इसका। एक दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, इधर बादल नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है। बड़ा ही सुंदर ये दृश्य है, आप देख सकते हैं। देखिए कैसा दिख रहा है। मैं मुंबई के घर के छत पे खड़ा हूँ, दृश्य देखने को मिल रहा है।